आज की छुड़ियों को पाइप टंकी पढ़ाऊंगा और ये पार्ट टू। इसके पहले मैंने इसका पार्ट वन बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। इस वीडियो में आपको थोड़े जो आसान क्वेश्चन होते हैं और जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, मैं दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन क्या है। दो नल ए तथा बी किसी हौज को 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। हौज मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, टंकी से मतलब है। यानी दो नल है, मैं मान लो अगर आपको फिगर में बना के दिखा दे रहा हूं, मैं मान लो अगर ये कोई टंकी या हौज है, इसमें दो नल लगे हैं। पहला नल क्या है, ए है। ए से अगर ये भरवाया जाए तो टंकी को कितने समय भर देगा, ये 10 घंटे में भर देगा। लेकिन आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करेंगे। मैं सब समझाने के लिए आपको फिगर बना रहा हूं। और जो दूसरा नल है बी है, बी से कितने घंटे में भर देगा, ये 15 घंटे में भर देगा। क्लियर है, ये आपका फिगर बन गया। तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। तो जो मैंने आपको पार्ट वन में बताया था, सेम वही प्रोसेस हम लगाएंगे। ए जो है 10 घंटे में भरने के लिए कह रहा है और जो बी है इसे 15 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम देखिए कितना है, वह कौन सी संख्या है जो दोनों काटेगी। तो मैं देख रहा हूँ 5 है, तो किसी एक को काट दिए, 5 × 10 यहाँ से गुणा के लिए 15 दोनों कितना 30 हो जाएगा। अगर जिनको एलसीएम लेना शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करें, इससे इसमें भाग देंगे तो 10 × 3 कितना 30 हो जाएगा, इससे भाग दे कितनी बजे 15 × 30 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो नल ए है एक घंटे में कितना पानी भरा है, इसमें 3 लीटर भर रहा है, और जो नल बी है इसमें कितना पानी भरा है एक घंटे में, 2 लीटर। तो पूछा कि दोनों मिलकर अगर क्या करेंगे, हौज को कितना समय भरेंगे और हौज की कैपेसिटी कितना है, 30 लीटर की, ये आपकी टंकी है। तो दोनों मिलकर पूछा, दोनों को यहाँ पे मिला दिया जाए तो कितना पानी भरेंगे दोनों मिलकर, 5 लीटर भरेंगे एक घंटे में, भरना कितना है 30 लीटर। तो आप इस स्थिति में भाग दे दिए तो कितना समय लग गया, 5×6 घंटे आपका लग जाएगा। तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने समय भर देंगे, ये लोग 6 घंटे में भर देंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। अगर आप एग्जाम में, तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, इसके लिए एलसीएम लेने के बाद इससे क्या कर दे, डिवाइड कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में क्या हो जाए, खाली हो जाती है। तो खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा, हमसे ये जानना चाह रहा है। तो मैं आपको फिगर से समझा दे रहा हूं, मैं मान लो अगर ये कोई टंकी है, ऐसे कोई टंकी बनी है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे, दो नल लगे हैं जो पानी भर रहे हैं। पहले नल क्या है आपको, लेकिन फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊंगा आप देख सकते हैं। देखिए ये क्या कह रहे, जो ए है कितने 10 मिनट में भरने के लिए कह रहा, अगर आप एग्जाम में है तो आप फिगर नहीं बनाएंगे। और जो बी है कितने समय भरने के लिए कह रहा है, इसे 20 मिनट में भरने के लिए कह रहा। बट इसकी क्या है, यहाँ जो पेदी है यहाँ पे कहीं छिद्र है, और इस छिद्र के कारण क्या, टंकी कितने समय खाली हो जाएगी, 40 मिनट में खाली हो जाएगी। मैं मान लो ये छिद्र हमारा सी है और इसके द्वारा ये 40 मिनट में क्या हो जा रही, खाली हो जा रही। क्लियर है, यहाँ से ऐसे बना लिए फिगर, ये क्या कर रहा है, ये खाली। तो सेम पहले वाले की तरह हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए जो है 10 मिनट में खाली करने के लिए कह रहा है, यहां से लिख लिया जाए 10 मिनट। और जो बी है इसे कितने मिनट खाली करने के लिए कह रहा है, सॉरी भरने के लिए कितने समय में कर रहा है, ये 20 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। एक तीसरा नल जो है, यानी ये क्या, जो पेदी में लगा है, ये इसे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना। आप यहाँ पे लिख लीजिए ताकि हमको पता चल जाए कौन भर रहे हैं कौन खाली कर रहे हैं। अगर ऐसे लिख दे हमको ये पता, ये खाली करा और ये दोनों क्या करें, भर रहे हैं, 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो इनका एल्सियम कितना आएगा, तो इनका एल्सियम आपका 40 आ जाएगा। इनका एल्सियम कितना आएगा, 40 है। जैसे आप एल्सियम लेंगे हमको ये पता चलेगा ये टंकी कितने लीटर की है, टंकी कितने लीटर की है, 40 लीटर की है। एल्सियम लेने के बाद इससे भाग देंगे 10 × 40 हो जाएगा, इससे भाग दे 20 × 40 हो जाएगा, और 40×40 इतना तो क्लियर है। अब पूछा कि रिसाव सहित अगर ये क्या कहे, यहां से ये पानी बहे भी और ये दोनों मिलके भरे, तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, हमसे ये जानना चाहिए। तो देखिए ये एक मिनट में कितना पानी भरा, 4 लीटर, और 1 मिनट में कितना, ये 2 लीटर। तो दोनों ने मिलकर भरा कितना, 4+2, दोनों ने मिलकर 6 लीटर पानी भरा कि नहीं भरा।
और इसमें से क्या कर दिया, 1 मिनट में से क्या कर दिया, 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक दिया, तो टंकी में पानी बचा कितना, 5 लीटर बचा कि नहीं बचा, बचा। फिर अगला मिनट आएगा, जैसे ये दोनों मिलकर इसमें 6 लीटर पानी डालेंगे, वैसे इसमें से सी वाला नल जो है 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा, तो फिर टंकी में बचा कितना, 5 लीटर। और इस तरह से भरना कितना है, 40 लीटर की टंकी है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, यहां से दोनों को जोड़ी 6 आ जाएगा, यहां से घटा दीजिए 5 हो जाएगा, अब 5 से इसमें भर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 5 8 40। टंकी को भरने में कितना समय लगेगी, 8 मिनट लगेगा, ये आपका आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। मैं आपको फिगर बस बना दे रहा हूं, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, चलिए ये फिगर बनेगा। जो ए नल लगा है इसे कितने समय भर देगा, मान लो पहला नल क्या है, ए है, इसे 8 घंटे में क्या कर देगा, ये भर देगा, है ना। लेकिन हुआ क्या कि टंकी में इधर कहीं छिद्र है, इधर कहीं छिद्र है, तो अब इसे भरने में कितना समय लग गया, छिद्र के कारण जो नल ए को भरने में कितना समय लग गया, अब ये 10 घंटे में क्या कर रही है, 10 घंटे में भर रहा, मीन्स 2 घंटे अधिक का मतलब कितना, 10 घंटे लेगा कि नहीं लेगा, पहले 8 घंटे में भरता था, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, अब इसे कितना समय लग जाएगा, यानी 2 घंटे अधिक कितना समय लग जाएगा, 10 घंटे लग जाएगा। कब ये लगेगा, अगर ये नल दोनों एक साथ चले, यानी ये पानी भराए भी और ये क्या करे पानी बाहर निकाले, तो टंकी को भरने में कितना लग जाएगा आपका, 10 घंटे लग जाएगा। लेकिन आपको इसको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे करिए, देखिए क्या जो ए है क्या कराइए, 8 घंटे में इससे भर सकता है, लेकिन पेदी में यहाँ पे छिद्र है, इसे भरने में कितना समय लग गया, ए माइनस बी मैं कर ले रहा हूँ, यानी ये पानी बाहर भी निकाला है और पानी भरा भी रहा है, तो 2 घंटे अधिक लगे, पहले 8 घंटे लगते थे, अब कितना घंटे लग रहे हैं इसे, 10 घंटे। तो दोनों का एलसीएम लिया है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो मैं देख रहा हूँ 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 चौक 8, इनका एलसीएम कितना गया, 40। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि टंकी कितनी लीटर की है, 40 लीटर की टंकी ये है। एलसीएम लेने का हम इससे भाग देंगे तो 8 5 40 हो जाएगा और ये 10 चौक 40 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहां से क्या रहा होगा, यानी ये जैसे ये 1 लीटर क्या कर रहा है, 1 घंटे में कितना, 5 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी इसमें से क्या कर रहा है, जब ये खाली भी तो कर रहा है, ये माइनस बी वाला खाली कर रहा है कि नहीं खाली कर रहा है, अगर ए का मान 5 रहा होगा तो इसमें से क्या घटाया गया होगा, इसका मान 4 मिल गया होगा, तो यहां से इसका 1 घटाया गया, तो अभी तो ये 4 मिला कि नहीं, चलिए अब हमको ये पता चलेगा कि बी कितना खाली करा 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना खाली करा, ये 1 लीटर पानी खाली करा। अगर टंकी पूरी भरी है 40 लीटर की है, तो इसे 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करा, तो 2 घंटे में 2 लीटर खाली करेगा, तो इस तरह से 40 लीटर कितने का समय खाली करेगा, आप इससे भाग दे दीजिए तो कितना समय लग जाए, इसे 40 घंटे लगे कि नहीं लगे, तो टंकी को खाली करने में छिद्र द्वारा खाली करने में कितना समय लग जाएगा, 40 घंटे लग जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, डी ऑप्शन इसका मैच करा, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 नल पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और तथा 15 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए किंतु 3 मिनट बाद पी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो क्यू को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। क्यों जो जो पानी भरना है अभी है उससे कितना समय लेगा, हमसे यही जानना चाह रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दो, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। जो पी है कितना समय ले रहा है, ये 12 मिनट में टंकी को भर सकता है, और जो क्यू है इसे कितने समय भर सकता है, ये 15 मिनट में भर सकता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 हो गया और ये 15, वो कौन सी संख्या है जो दोनों काट रही है, देख रहा हूँ कितनी, 3 है, तो किसी को काट 3 चौक 12, यहां से गुणा करके कितना आ जाएगी, 60 आ जाएगा, यानी इनका एलसीएम कितना गया, 60 आ गया। जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता शॉर्ट ट्रिक, तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एलसीएम लेने का हम लोग इससे भाग देंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, इससे भाग दे 15 6 60 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए कहा कि आपको क्वेश्चन में, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाए, तो 3 मिनट तक ये दोनों चले होंगे नहीं चलेंगे, 3 मिनट तक चलेंगे, तो दोनों ने 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, दोनों मिलके 9 लीटर भरेंगे, तो 3 मिनट में कितना भरेंगे, 9 3 27, क्लियर है। अगर मैं इसमें से 27 घटा दूं कि नहीं घटा दूं, यहां से कितना 3 हो जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा हमारा, यहां से 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हुआ क्या कि इसको बंद कर दिया इन्होंने, पी वाले नल को बंद कर दिया, पी को अगर बंद कर दिया तो कौन सा नल चालू है अभी, क्यू है ना, तो क्यू को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये इतना पानी अभी क्या करना है, इतना पानी अभी शेष भरना है, तो क्यू वाले से भराना है, तो आप क्या करिए इसमें भाग दे दीजिए, तो 4 बटे
32 हो जाएगा और बचा कितना, एक, एक में चार से भाग जाएगी नहीं, तो आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। यानी पानी भरने में कितना लग जाएगा, जो क्यू जो शेष पानी भरना है क्यू से भराया तो कितना समय ले लेगा ये, 8 सही 1/4 मिनट ये ले लेगा। इसका कौन सा ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, दो निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, हमसे ये जानना चाह रहे। मैं आपको यहाँ फिगर बना दे रहा हूं, अगर मैं मान लो कर ये कोई टंकी है, इसमें कितने नल लगे हैं, 3 नल लगे हैं, एक नल जो इसे क्या कर रहा है, भर रहा है, और ये क्या है, मैं इसका नाम ए दे दे रहा हूँ, ये इसे कितने घंटे भर सकता है, 3 घंटे में भर सकता है, तो निकासी पाइप लगे हैं, मैं यहां से फिगर बना दे रहा हूँ और इसका नाम दे दे रहा हूँ बी, बी है और ये क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो कितना समय में ये खाली कर देगा, इसे 6 घंटे में खाली कर देगा। एक तीसरा नल है, मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ सी, सी क्या कर रहा है, इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, क्लियर है, ये क्या कर रहा है, ये खाली, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये क्या करे लोग खाली करें, ठीक है। अब देखिए हमसे ये पूछा कि जब तीनों नल, यानी ये नल और ये नल और ये नल, जब तीनों नल एक साथ खोल दिया है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, हमसे ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहां से, ये ए हो गया, कितना समय ले रहा है ये, 3 घंटे ले रहा है, और जो बी है ये क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा, तो आप इसके ऊपर ऐसे लिख लीजिए, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा, कितने समय खाली कर देगा, 6 घंटे में खाली कर देगा, और जो सी है ये क्या कर देगा, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और कितने समय खाली कर रही है, 10 घंटे में। तो सभी का एलसीएम लेंगे तो इनका इनका एलसीएम देखिए कितना आएगा, 3, 6, 10, जो कि जो 3 है 6 को पूरा पूरा काट दे रहे, तो यहां से ये 3 रिजेक्ट हो गया। अब देखिए ऐसे संख्या जुड़ी जो दोनों काट रहे, मैं देख रहा हूँ 2 है तो किससे काट, 2 3 6, काटने के बाद इसमें गुणा कर 3 दाम कितना, ये 30 हो जाएगा। यानी टंकी कितने लीटर की टोटल है आपकी, यानी इतने लीटर की टंकी है, एलसीएम लेने के बाद हम इससे भाग देंगे 3 दहा में 30 हो जाएगा, इससे भाग देंगे कितने 6 5 30 हो जाएगा, इससे भाग देंगे कितना हो जाएगा 10 3 30, क्लियर है। अब देखिए जैसे इसमें 10 लीटर पानी डालेगा नहीं डालेगा, तो वैसे इन दोनों ने मिलकर इसमें से पानी बाहर कितना निकाल दिया, 8 लीटर क्या कर दिया, यहां से पानी बाहर निकाल के ये लोग फेंक दिए, तो टंकी में बच कितना गया, 2 लीटर बचा कि नहीं बचा, बचा। फिर अगला घंटा आएगा, फिर अगले घंटे में क्या होगा, जैसे ही इसमें से 10 लीटर पानी डालेगा नले, वैसे ही दोनों मिलकर क्या कर देंगे, 8 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देंगे, तो फिर बचा कितना, 2 लीटर बचा। फिर इस तरह से ये होता रहेगा नहीं होता रहा, और इस तरह से करना कितना, भरना कितना मुझे, तो 30 लीटर भरना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे करिए, यहां से आप घटा लीजिए तो 2 बचेगा, आप इसे भाग दे दीजिए तो कितनी बार चला जाएगी, 15 घंटे में आपकी क्या हो जाएगी, टंकी भर जाएगी। यानी ये प्रोसेस मुझे कितनी बार करना होगा, 15 बार करना होगा कि नहीं करना, तो आप इस प्रोसेस से बचना चाह रहे हो तो आप ऐसे कर लीजिए, इन दोनों को जोड़िए, इसमें से घटाइए, 2 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, हमसे ये जानना चाह रहा है। तो अगर मैं मान लू 2 पाइप रहे होंगे, तो ये फर्स्ट पाइप है और ये हमारी सेकेंड है, क्लियर है। अब देखिए क्या करे, एक जो पाइप पहली पाइप है किसी अन्य पाइप की तुलना में कितना कर, 3 गुना तेजी से पानी भर रहा है। अगर मैं मान लू ये कितना 1 लीटर पानी भर रहा है, तो ये से 3 गुना मीन्स कितना पानी भरेगा, ये तब तक 3 लीटर पानी भरेगा। ये इनकी क्या है, कार्य क्षमता, और ये कार्य क्षमता क्या होती है, मैंने आपको ये टाइमर में पढ़ाया। चलिए देखिए, अब देखिए दोनों मिलकर क्या करे, 36 मिनट में भर दे रहे कि नहीं भर देते। अगर यहां से दोनों का मिलाया जाए तो 1 मिनट में ये लोग कितना पानी भरेंगे, दोनों मिलकर 4 लीटर पानी भरे कि नहीं भरे, 4 लीटर भर रहे हैं, और कितने मिनट तक साथ साथ चले, ये 36 मिनट तक। अगर 4 से मैं इसमें गुणा कर लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टंकी में ये लोग कितना पानी भरे, या टंकी की कैपेसिटी पता चल जाएगी, तो 4 6 24 हो जाएगा, 4 3 12 13 14, यानी टंकी कितनी लीटर की है, 144 लीटर की है। अब ये चाह रहे हैं कि जो धीमी गति वाला पाइप है, धीमी गति वाला पाइप अगर खोल दिया है तो टंकी को भरने में कितना समय, ये टंकी है, मैं मानो ऐसे कोई टंकी है, टंकी इतनी लीटर की है, अगर धीमी गति वाला यही है ना, 1 लीटर में इतना पानी भर रहा है, तो इतना लीटर पानी भरना है तो कितना समय ले, आप इससे भाग दे दिए तो कितना समय ले लेगा, ये 144 मिनट, 144 मिनट लेगा कि नहीं लेगा, 144 मिनट ये ले लेगा, ठीक है। अब देखिए कहा क्या हमसे, ये मिनट में है ना, ये मिनट में आया था कि हमारे मानेंगे, ये हमारा मिनट में, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा, 144 मिनट ये ले लेगा।
अगर इसे घंटे में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए दो अगर घंटे में बदला है तो एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 दूने 120, 30, इसके अंदर क्या 2 घंटे हो गए, 2 घंटे और बचा कितने 120, तो 24 मिनट बचा कि नहीं बचा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। धीमी गति वाला क्या करेगा, इतना ही समय लेगा कि नहीं लेगा, 2 घंटे 24 मिनट में क्या कर देगा, भर देगा। लेकिन इसका डी ऑप्शन क्या इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी तरह से क्या हो जा रही है, पूरी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितनी है, यानी 13.5 लीटर है, तो 9 लीटर धारिता वाली बाल्टी कितनी बाल्टियों से ये टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अगर मैं मान लो ये कोई टंकी है, अगर ये कोई टंकी है, अब इन्होंने कहा कि 12 बाल्टी पानी भरने से, अगर मैं मान लो एक बाल्टी है जिसकी कैपेसिटी इन्होंने दे दी कितना है, यानी अगर ये कोई बाल्टी है, अगर कोई ये बाल्टी है, ये बाल्टी की क्षमता कितना, मिस इसमें कितना पानी आ रहा है, 13.5 लीटर, यानी 13.5 लीटर पानी आ रहा है। जब इसमें हुआ क्या कि इसको मैं क्या किया, इसमें पानी भर कर, इसमें कितनी बार पानी भरा गया, 12 बार में क्या हो जाए टंकी आपकी भर जा रही है। ये टंकी कितनी बार में भर जा रही है पानी से, 12 बार में आपकी टंकी भर जा रही है। तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर बाल्टी की मैं कितना ले लू, 9 लीटर की ले लू, अब बाल्टी कितना मैं ले लू, 9 लीटर की ले लू, इतने लीटर की बजाय मैं क्या कर लू, 9 लीटर की ले लू, तो इसको भरने में, टंकी को भरने में कितना समय लेगा, हमसे ये जानना चाह रहा है। अब टंकी बाल्टी की कैपेसिटी कितनी गई, 9 लीटर की हो गई, अब इसे कितनी बाल्टी से कितना बार इसमें पानी भरना होगा, हमसे यही जानना चाह रहा है। ऐसा सवालों को लगाने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसमें ये गुणा कर दीजिए कितना पानी आएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा। तो करिए 12 × 13.5, 9 से करना, तो आप 9 से इसमें भाग दे दीजिए, तो यहां से 3 × 12 हो जाए, 3 × 3 = 9, यहां से काटेंगे 3 × 12, 3 × 5, जब इसका आप गुणा करेंगे 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 × 16 दो कितना, 18, यानी ये 18 बार में क्या हो जाएगी आपकी टंकी, ये क्या हो जाएगी भर जाएगी। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है, मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका क्या है, मैच कर रहा है।